75 डेज हार्ड चैलेंज। 75 hard is not something you try. अगले 75 डेज ना तुम्हारी जिंदगी के सबसे मुश्किल 75 डेज होने वाले। I quit 75 hard. I failed 75. 99% लोग फेल हो जाते हैं। I failed 75 hard. I failed the 75 hard. I failed. I messed up the 75. I failed. I failed. These are the times you can't control. ये दुनिया का सबसे मुश्किल चैलेंज है, बट अगर आपने इस चैलेंज को फॉलो कर लिया तो आपकी जिंदगी पूरी की पूरी बदल सकती है। 75 hard क्या है? The biggest mistake I see when it comes to 75 hard. Hi everyone, मेरा नाम है प्रशांत। अच्छा, आपकी स्क्रीन के ऊपर ना एक तस्वीर आ गई होगी। इस इंसान को जो आप देख पा रहे हो ना, इनका नाम है अंकित। शायद आपने कहीं ना कहीं आज के समय पर YouTube या Instagram पर इन्हें तो जरूर देखा होगा। क्यों? क्योंकि आज के समय पर ये वायरल हो चुके हैं। और वायरल होने का कारण क्या है? कारण है 75 डेज हार्ड चैलेंज। इन्होंने उस चैलेंज को केवल लिया ही नहीं, बल्कि उस चैलेंज को पूरी दुनिया को दिखाया और उसके साथ साथ इस चैलेंज को ऑलमोस्ट पूरा करके भी दिखाया। और ये पूरा इन्होंने प्रूव करके दिखाया कि इस चैलेंज ने उनको पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। 75 डेज के अंदर उनकी मेंटल कंडीशन के साथ साथ उनकी पूरी की पूरी फिजिकल कंडीशन भी बदल चुकी थी। और ये इस बात को प्रूव करता है कि ये जो चैलेंज है ना, 75 हार्ड चैलेंज, ये आपको पूरी तरीके से बदल सकता है। एक प्रॉब्लम तो शायद आप हमेशा फेस करते होगे। प्रॉब्लम क्या है कि आपको पता तो है कि इस समय पर शायद आपको पढ़ना चाहिए, शायद आपको कोई काम करना चाहिए, बट फिर भी आप डिस्ट्रैक्टेड हो। ऐसा कितनी बार आपके साथ होता है कि आपको पता है कि यार कुछ दिनों में मेरे एग्जाम्स हैं, कुछ दिनों में मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, बट फिर भी आप मोबाइल फोन, इंस्टा रील, यूट्यूब शॉर्ट से डिस्ट्रैक्टेड होते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसका ये मतलब है कि वो जो प्रॉब्लम है ना आपकी, कि आप पढ़ना तो चाहते हो बट नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। कैसे? उसका आंसर है 75 डेज हार्ड चैलेंज। अब समझते हैं डीपली ये 75 हार्ड चैलेंज आखिर है क्या। तो 75 हार्ड चैलेंज मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ गया हूं। मैंने क्या करा है ना, मैंने दो टाइप के कैटेगरीज में इस चैलेंज को डिवाइड कर दिया है। जैसे कि पहली कैटेगरी नॉर्मल 75 हार्ड चैलेंज कैसा होता है, और दूसरी एक स्पेशल कैटेगरी है जो कि स्टूडेंट कैटेगरी। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको इस 75 हार्ड चैलेंज में आखिर करना क्या है, वो भी मैंने सारा बता रखा है। अभी इसको पूरी डीपली एक्सप्लेन करता हूं, बट उससे पहले एक प्रिडिक्शन करता हूं। प्रिडिक्शन मतलब समझते हो, भविष्यवाणी करता हूं। मैं कोई जादूगर नहीं हूं, बट फिर भी एक प्रिडिक्शन करता हूं। देखो, प्रिडिक्शन ये है कि इस वीडियो को देखने वाले 99% लोग पता है क्या करेंगे, वो इस वीडियो को देखेंगे, वो मोटिवेटेड होंगे। उसके बाद वो सोचेंगे ठीक है यार, 75 हार्ड चैलेंज कल से फॉलो करेंगे। वो सोचेंगे यार आज से नहीं करते, कल से करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा ना कि वो आज सो जाएंगे, और उसके बाद कल उठेंगे और सोचेंगे कि यार आज से तो मुझे 75 हार्ड चैलेंज को फॉलो करना है। बट होगा क्या ना कि आपका जो दिमाग है ना, वो आपसे बोलेगा कि यार आज तो ना यार मुझे वहां जाना है, आज तो नहीं हो पाएगा स्टार्ट। ऐसा करते हैं, इस चैलेंज को ना मंडे से स्टार्ट करते हैं, या फिर कल से स्टार्ट करते हैं, या तो परसों से स्टार्ट करते हैं। आपका दिमाग आपको बेवकूफ बनाता जाएगा बार 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 बार। और धीरे धीरे क्या होगा ना, आप इस चैलेंज को भूल जाओगे, आप इस वीडियो को भूल जाओगे, और आप इस मोटिवेशन को भूल जाओगे। और ये 99% लोगों के साथ होने वाला है। देखो यार, ये सच्चाई है। मैं मानता हूँ ये कड़वी सच्चाई है, बट ये बहुत बड़ी रियलिटी है। बट आज आपके पास एक ऑप्शन ये है, या तो आप इसी प्रकार से उस 99% भीड़ में आ जाना जो कि इस चैलेंज को एक दो दिन बाद भूलने वाली है, या फिर आप उस 1% के अंदर आ जाओ जो कि ये बोले कि कल से नहीं, अभी से, आज से। चाहे आज रात के 12 बज रहे हैं, या फिर आज 1 बज रहे हैं, या तो 2 बज रहे हैं, रात के 4 बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं, या फिर कोई भी समय हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता। आज से, अभी से इस चैलेंज को मैं फॉलो करूंगा। अगर आप उन लोगों के बीच में आ गए ना, फिर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर आप इस चैलेंज को सच में फॉलो करने वाले हो, वो भी आज से, तो अभी के अभी वीडियो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो यस आई विल फॉलो दिस चैलेंज फ्रॉम नाउ। कल से नहीं, आज से, अभी से। इस बात को अपने दिमाग के अंदर डाल लो। अगर आपने आज ये बोला ना कि कल से करूंगा, तो कल कभी नहीं आएगा। अब समझते हैं इस चैलेंज के अंदर है क्या। देखो, नॉर्मली ये चैलेंज कैसा है वो तो शायद आपने बहुत सारी वीडियोस के अंदर देखा होगा। नॉर्मली इस चैलेंज के अंदर क्या होता है कि 3 से 4 लीटर पानी आपको हर रोज पीना होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद 2 टाइम दिन में एक्सरसाइज करनी होती है, एक बार सुबह, एक बार शाम को, 45 मिनट्स की। उसके अलावा 6 से 7 पेज किसी भी बुक के पढ़ने होते हैं, कोई भी बुक हो सकती है वो। उसके अलावा करना क्या है, एवरी डे ईट हेल्दी, डेली आपको हेल्दी खाना खाना है। ये तो है हमारा नॉर्मल 75 डेज जो कि हर एक इंसान फॉलो करता है। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मैं आपके लिए एक स्पेशल 75 डेज का चैलेंज बनाकर लेकर आया हूं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चैलेंज को फॉलो कर लिया तो आपको जो टॉपर कैटेगरी है ना उसके अंदर आने में से कोई रोक ही नहीं सकता। चैलेंज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? रिड्यूस मोबाइल टाइम। आपको क्या करना है ना, अपने डिस्ट्रैक्शंस टाइम को कम करना है। डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। डिस्ट्रैक्शन शायद आपकी लैला, आपके मजनू से बात करना हो सकता है, शायद आपके मोबाइल फोन पे गेम खेलना हो सकता है, इंस्टा रील स्क्रॉल करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस टाइम को कम करो। मैं ये नहीं बोल रहा खत्म कर दे कि यार मैं तो 1 घंटे फोन चलाता था भैया, कल से तो मैं फोन ही नहीं चलाऊंगा, ऐसा मत कर। अगर ऐसा करेगा तो तू 2 दिन के अंदर इस चैलेंज से हार मान लेगा। ये मत कर। करना क्या है, थोड़ा कम कर दे। बोल ये कि यार ठीक है, अब मैं अपने मोबाइल टाइम को अगले 75 डेज के लिए कम कर दूंगा। मतलब अगर 1 घंटे चलाते थे तो आधे घंटे कर दूंगा अगले 75 डेज के लिए। तो ये जो पहला स्टेप है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको नोट कर लेना, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहला स्टेप क्या है? रिड्यूस मोबाइल टाइम। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है इंक्रीज स्टडी टाइम बाय 5 मिनट्स। इसका क्या मतलब है, बहुत ध्यान से समझना। देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अपने स्टडी टाइम को अचानक से 6 घंटे कर दो, 10 घंटे कर दो, नहीं। आप सभी को इतना तो पता होगा कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो। जैसे कि हमें पता है कि कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे यार हम तो 2 घंटे पढ़ सकते हैं, हम तो 3 घंटे पढ़ सकते हैं, हम तो 10 घंटे पढ़ सकते हैं। जितना भी है, सबकी अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं। जो भी आपका टाइम है उस टाइम में 5 से 10 मिनट को ऐड कर दो, केवल 5 से 10 मिनट। इतना करना है हमें, हमें ज्यादा इंक्रीज नहीं करना। और हर रोज हमें खुद को हराना है। इस सेकंड पॉइंट का करेक्टली मतलब समझ लेना। सेकंड पॉइंट का ये मतलब है कि आप जितना भी पढ़ रहे हो अगले दिन उससे थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ो। मतलब अगर मैं 1 घंटे पढ़ता हूँ, कल मैं 1 घंटे 5 मिनट पढ़ूंगा, अगले दिन मैं 1 घंटे 10 मिनट पढ़ूंगा, अगले दिन मैं 1 घंटे 15 मिनट पढ़ूंगा। ये है मेरा स्टेप 2। स्टेप 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 3 है एक्सरसाइज या फिर मेडिटेट। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे यार हमें तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है, टाइम नहीं है, समय नहीं है मेरे पास तो एक्सरसाइज करने का। ये बहाने हैं, ये बहाने हैं। खुद से झूठ मत बोल, ये बहाने हैं। तुझे भी पता है समय है तेरे पास एक्सरसाइज करने का, और डेली अगर तू 30 मिनट्स एक्सरसाइज को नहीं दे सकता तो तू उस एग्जाम को भी क्रैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आज के समय पर एक्सरसाइज करना भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको इसको काम चलाना है ना, ये बंद पड़ जाएगा वरना ये खत्म हो जाएगा। इसलिए याद रखना, या तो एक्सरसाइज या तो मेडिटेशन केवल 30 मिनट के लिए कर लो, केवल। हर रोज हैबिट बनानी है अगले 75 डेज के लिए। ये है हमारी हैबिट नंबर 3। और लास्ट हैबिट क्या है? लास्ट हैबिट है 30 मिनट रिवीजन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 मिनट रिवीजन का क्या मतलब है? देखो रात को जब तुम सोते हो ना, उससे 30 मिनट पहले क्या करते हो? फोन चलाते हो ना, उस फोन को हटाओ। करना क्या है ना, उस आखिरी के 30 मिनट के अंदर आपने जो भी पूरे दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज करो। स्कूल के अंदर, कोचिंग के अंदर, ट्यूशन के अंदर, जहां भी आप जाते हो, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो भी आपने पढ़ा है उसको 30 मिनट्स के अंदर रिवाइज करो। और देखो 90% स्टूडेंट्स को तो रिवीजन करना ही नहीं आता, क्योंकि रिवीजन करना ना एक आर्ट होता है, एक कला होती है जो कि हर किसी को नहीं आता। तो अगर आपको रिवीजन करना सीखना है या फिर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सभी के लिए मैंने एक 7 डे एवरेज टू टॉपर का एक कोर्स बना दिया है। एक बड़ा ही शानदार कोर्स जिसमें 7 दिन के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। उन लेक्चर्स के टाइटल्स हैं हाउ टू मेक टाइम टेबल, हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू डू रिवीजन, हाउ टू इंक्रीज योर ब्रेन पावर, या फिर मेमोरी कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज करें। ऐसा 7 दिन का एक पूरा का पूरा मैंने कोर्स बना दिया है, जिसके अंदर मैंने खुद ने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को आपके लिए एक एक वीडियोस के अंदर लाकर दे दिया है। वो कोर्स कहाँ पर मिलेगा आपको? हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट्स के अंदर दे दूंगा। उस कोर्स के अंदर केवल इतना ही नहीं है, उसके साथ साथ उसके अंदर 2 IQ टेस्ट भी हैं। वो जो IQ टेस्ट है ना, वो आपकी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अगर आप हमारे फाइनल टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आते हो तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये सारी चीजें एक कोर्स के अंदर मिलेंगी। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट पे जाओ, वहां पर आप चीजें सारी देख लेना। और क्योंकि ये कोर्स हम अभी लेकर आए हैं तो पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए हम 50% डिस्काउंट भी दे रहे हैं बाय यूजिंग द कोड स्टूडेंट। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एक कोड आ गया होगा, अगर आप इस कोड को लगाते हो तो आपको 50% ऑफ भी मिल जाएगा। बस एक चीज याद रखना, ये जो पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए, तो जितना जल्दी आप एनरोल कर सकते हो उतना जल्दी कर लेना। लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। चलो वापस आते हैं हमारे 75 हार्ड चैलेंज पे। अब देखो आपने 4 हैबिट्स देखी, आपको तो बहुत आसान लग रहा होगा, कह रहे होगे कि यार इसमें क्या है प्रशांत भैया, ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे, 75 डेज की बात है, हम तो 10-10 महीने कर लेंगे, क्या दिक्कत है, बस ये 4 हैबिट्स ही तो बनानी है, ये तो हम यूं बना लेंगे। लग रहा है ना आसान, लग रहा है ना सिंपल, बट है नहीं। ये दुनिया का सबसे मुश्किल चैलेंज है। क्यों? समझते हैं साइंटिफिकली। देखो अगर हम साइंटिफिकली जाएं तो होता क्या है ना, जब आप आज इस चैलेंज को फॉलो करोगे तो आपके ब्रेन के अंदर एक केमिकल रिलीज होगा, जिस केमिकल का नाम होता है डोपामाइन। आपके ब्रेन के अंदर वो केमिकल रिलीज होता है जिससे कि आपके अंदर एक्साइटमेंट होती है इस चैलेंज को फॉलो करने की। बट जैसे जैसे दिन बीतेंगे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, उसके बाद ये जो डोपामिन है ये नीचे आ जाएगा। जैसे ही आपका डोपामिन नीचे आया तो आपकी वो जो एक्साइटमेंट थी वो खत्म हो गई और वहां पर आपका ब्रेन आपको मूर्ख बनाना स्टार्ट कर देगा, आपका ब्रेन आपको पागल बनाना स्टार्ट कर देगा। कैसे? आपका ब्रेन आपसे कहेगा कि यार आज ना फोन चला लेते हैं, आज नहीं पढ़ते। तुम पूछोगे क्यों? तो ब्रेन बोलेगा यार आज तो ना थोड़ा शरीर में थकान सी हो रही है, आज थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है, आज तो यार मन कर रहा है कि कहीं बाहर चलते हैं। आपका ब्रेन आपको बेवकूफ बना देगा। इस बात को समझो, अगर आपको इस 75 हार्ड चैलेंज को रियली में पूरा करना है ना, तो आपको इस साइकिल से बाहर आना पड़ेगा। जो दिमाग आपको बेवकूफ बना रहा है ना, इस साइकिल से आपको बाहर आना पड़ेगा। इस साइकिल से बाहर कैसे आओगे? केवल 2 स्टेप्स हैं, इनको फॉलो कर लेना। स्टेप नंबर 1, माइंडसेट। देखो आपने देखा होगा पुराने समय पर लोग वॉर पे जाते थे, इवन आज के समय पर भी जाते हैं। जो अपने सोल्जर्स होते हैं वो आज के समय पर भी वॉर पे जाते हैं। जब वो वॉर पे जाते हैं उससे पहले उनका माइंडसेट क्या होता है, कभी सोचा है? उनका माइंडसेट ये होता है कि हम वॉर में जाएंगे, हम हमारी फैमिली से 2 से 3 महीने दूर रहेंगे। उसके पीछे उनके पास एक मोटिवेशन होता है, उनका वाई क्लियर होता है कि हम इस वॉर में जा क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे देश को बचाना है, राइट। तो उनका जो वाई है, उनका जो मोटिवेशन है वो एकदम क्लियर होता है, जिसकी वजह से वो जो 2 से 3 महीने चलने वाली वॉर है ना, उसमें सर्वाइव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है यार हमें हमारे देश को बचाना है। उनका वाई एकदम क्लियर है। बट क्या तुम्हारा वाई क्लियर है? ये जो 75 हार्ड चैलेंज है ना, ये कोई चैलेंज नहीं है, ये जंग है, ये वॉर है। अगर इस वॉर में जीतना है ना, तो तुम्हें भी उस सोल्जर की तरह अपना वाई को क्लियर करना पड़ेगा। तुम्हारा वाई कुछ भी हो सकता है। शायद कभी तुम्हारे टीचर ने तुमसे ये कहा था कि यार तू तो बहुत बेवकूफ है, शायद तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे कुछ कहा, शायद तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे रिश्तेदारों ने यह बोला हो यार तू तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हारा वाई क्लियर होना चाहिए। जब तक वो आग नहीं आएगी अंदर से, तुम इस जंग में हार जाओगे। वो आग चाहिए। रीजन कुछ भी हो, शायद तुम्हारा कोई पर्सनल रीजन हो। आज क्या करना है आपको, एक नोटबुक लाना, उस नोटबुक में अपने रीजन को लिख देना बड़ा बड़ा। जब भी उस नोटबुक को खोलो वो रीजन दिखना चाहिए। जिस दिन भी डिमोटिवेट हो वो रीजन दिखना चाहिए, इस वजह से पढ़ाई कर रहा हूं मैं, वो रीजन आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 2 है कंसिस्टेंसी। देखो कंसिस्टेंसी से मेरा क्या मतलब है ना, ये जो चैलेंज है ना बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अंदर बहुत बार तुम हारोगे, बहुत बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा और ये चैलेंज तो मेरे लिए बना ही नहीं है। आपके साथ बहुत बार होगा, बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगले 75 डेज तक आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट से मेरा ये मतलब है, अगर तुम रात को 12 बजे सोते हो, 11 बजे सोते हो, 1 बजे सोते हो, जिस भी टाइम पे सोते हो, डेली आपको उसी टाइम पे सोना है। ऐसा नहीं कि यार आज थोड़ी सी मूवी देख लेते हैं, आज थोड़ी सी वेब सीरीज देख लेते हैं, रात को 4 बजे सो रहे हैं, कभी 2 बजे सो रहे हैं, कभी 1 बजे सो रहे हैं। ऐसा नहीं। कंसिस्टेंट रहो कि ठीक है डेली 1 बजे सो रहे हैं रात को और सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, या फिर डेली 12 बजे सो रहे हैं 6 बजे उठ रहे हैं, जो भी है। कंसिस्टेंसी, ये 2 चीजें आपको अपनानी पड़ेंगी। अगर आपने ये 2 चीजें अपना ली, पहला है माइंडसेट, दूसरा है कंसिस्टेंसी, आप इस चैलेंज में फेल हो ही नहीं सकते। तो ये था हमारा पूरा चैलेंज। और ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो आपको कमेंट में लिखना है कि यस आई विल फॉलो 75 डेज हार्ड चैलेंज। अगर आप सच में लेना चाहते हो, मैं बता रहा हूँ ये चैलेंज बहुत मुश्किल होने वाला है, अगर सच में लेने वाले हो तो लिख देना। और आपको क्या करना है, हर रोज आना है, हर रोज इसी वीडियो पे क्लिक करना है, अपने कमेंट्स में जाना है और खुद के ही कमेंट में रिप्लाई करना है। डे 1 कंप्लीटेड, डे 2 कंप्लीटेड, डे 3 कंप्लीटेड, ऐसे आपको हर रोज करना है। मुझे पता है शायद आज ये लाखों में बच्चे देखेंगे तो केवल 100 या 200 बच्चे ही आखिरी में बचेंगे जो कि 75 डेज तक ये कर पाएंगे, और वही 100-200 लोग लेजेंड कहलाने वाले हैं। और जितने भी लोग आखिरी में पूरे 75 डेज तक ऐसा कमेंट करते हैं, अपने चैलेंजेस को फॉलो करते हैं, तो उनको, वो चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं उनको फ्री में बुक्स जरूर भिजवाऊंगा, वो मेरा वादा है तुमसे। तो इस चीज को याद रखना कि आपको कमेंट में आज क्या लिखना है, आई विल फॉलो 75 हार्ड चैलेंज। याद रखना यार, तुम एक वॉरियर हो, जंग में तुम उतरे हो। अगर तुमने आज कमेंट किया है तो तुम एक नई जंग में आ चुकी हो। 75 दिन की ये जंग है और इस जंग में तुम्हें जीत के जाना है। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है।